Good morning, students. We are going to start chapter 16, revision work. तो आज हम 16 chapter बचपन है उसका क्या करेंगे अभ्यास कार्य पढ़ेंगे. अभ्यास इस chapter में अपने जो कठिन शब्द आए हैं जो hard word है वो देखो. आसमान, आसमान मतलब आकाश. पल एक क्षण, एक सेकंड के लिए जो काम होता है सेकंड पल क्षण. भुलाता भूलना, किसी भी कार्य को भूलना. रंग बिरंगा कई रंगों का, है ना, कई रंगों का. सादा साधारण, सादा साधारण साधारण. देखो टिक टक देख सही पे निशान लगाइए. आपके जो दिया हुआ है वो सही पे निशान लगाइए. दो ऑप्शन होंगे उसमें से जो राइट है उसको आपको बताना है. कविता में इसका वर्णन है बचपन का या कवि का. बचपन का इसका वर्णन है बचपन का. नेक्स्ट, बचपन में एक ही पल में क्या भूल जाते हैं. हम जब बचपन में होते हैं, बचपन है जब अपना, जब हम एक ही क्षण पल में क्या भूल जाते हैं, खुशी भूल जाते हैं या गम भूल जाते हैं. वेरी गुड, गम भूल जाते हैं. गम मतलब दुख भूल जाते हैं हम अपने. खुशी तो अपन को याद रहती है लेकिन अपने जो दुख है गम होते हैं वो बचपन में हम एक पल में भी उनको भूल जाते हैं. कौन पल में हंसाता और पल में रुलाता है. पल में एक क्षण में हंसाने का काम और रुलाने का काम कौन करता है, बचपन या गम. कौन करता है, बचपन. बचपन में हम एक पल के लिए तो भूल जाते हंसते हैं और एक पल के लिए कुछ दुख होता है तो हम रोने लग जाते हैं. मतलब अपना ये क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए अपने होते हैं. नेक्स्ट है अपना पंक्तियां पूरी करो. इन पंक्तियां जो फिलर छोड़े हुए इन पंक्तियों को पूरी करो. फर्स्ट देखो फिल इन द ब्लैंक्स. रंगों जैसा, कौन से रंगों जैसा होता है अपना बचपन, इंद्रधनुष के रंगों जैसा. कैसा होता है, इंद्रधनुष के रंगों जैसा. नेक्स्ट क्या है, रंग बिरंगा क्या है, आगे क्या आएगा, रंग बिरंगा होता बचपन. इन पंक्तियों को अपन जो अपनी कविता है उसके माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट क्या हो गया, इंद्रधनुष के रंगों जैसा रंग बिरंगा होता बचपन. हमारे इंद्रधनुष में जैसे सात रंग है वैसे हमारा बचपन भी क्या है, रंग बिरंगा होता है. कभी खुशी कभी गम एक क्षण के लिए आते हैं और उसको भूल भी जाते हैं. नेक्स्ट है बनकर रह पंख फैलाए. कौन पंख फैलाता है, पंछी. बनकर पंछी मतलब पक्षी बनकर हम पंख फैलाए. और रह उड़ता बचपन, क्या होता है अपना बचपन, फिर आसमान. क्या बनकर पंछी पंख फैलाए आसमान में उड़ता बचपन. मानो हम पक्षी जैसे अपने पंख फैला के आसमान में उड़ता रहता है वैसे हमारा बचपन भी पता नहीं कब बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता. कितना सादा डैस टाइगर यहाँ के होता बचपन. क्या कितना सादा होता बचपन, रोता कब, तब तब रोता. तो कितना सादा होता बचपन तब तब रोता मन. जब कब रोते हैं, जब बचपन की याद आती है. अपना बचपन है वो बहुत ही साधारण होता है मेरा बचपन. और जब मुझे बचपन की याद आने लग जाती है तो मेरा बचपन क्या है, मुझे मेरा बचपन रोने, मुझे रोना आने लग जाता है मेरे बचपन को देख के. तो ये आपकी क्या थी, पंक्तियां पूरी करो जो अपन ने कविता में पढ़ी थी. कविता के माध्यम से कुछ यहाँ फिलअप्स थे तो अपन को क्या है, ये फिलअप्स कंप्लीट करने थे, वो अपन ने कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट अपना है मात्रा लगाइए. कौन सी मात्रा लगानी है, देखो ऊ और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाइए. तो एक शब्द है, कुछ शब्द है, इन पे कौन से पे छोटे ऊ की लगेगी और कौन से पे बड़े ऊ की लगेगी. फर्स्ट क्या है, देखो रपैया. रपैया क्या होता है तो उसका अर्थ नहीं बनता, तो अपन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो इसकी क्या लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी. क्या बनेंगे, बलना. क्या बन गया, बलना. कुछ नहीं होता तो अपन इसके क्या करें, बड़े ऊ की मात्रा लगाई बन गया भूलना, है ना, भूलना किसी चीज को भूल जाता है. रप नहीं होता, रूप. अन
नेक्स्ट है जलना, उसको लगा दिया अपने इसी चीज से ढूंढना, तो वो भी छोटे और वो पे बड़े की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट मात्रा है अपने चंद्र बिंदु और बिंदु, जिसको आप चंद्र बिंदु और बिंदु कहते हो, एक तो चंद्र बिंदु है और एक क्या है अनुनासिक छाव। देखो छाव लिखा हुआ सिर्फ छाव, छाव नहीं है ये छाव, तो इसपे मात्रा कौन सी लगेगी चंद्र बिंदु छाव। नेक्स्ट है हंसना, क्या है हंसना है हंसना, आपको लिखेंगे हंसना। रग, रग क्या होता है रंग, क्या लगेगी इसमें बिंदी रंग। नेक्स्ट है सांप, सांप क्या होता है सांप और चंद्र बिंदु। नेक्स्ट पख, पख है पख पे क्या अगर आपने बिंदी लगाई ये क्या बन गया पंख, और पक्षी, पक्षी कुछ नहीं पक्षी पक्षी है ना पंछी, इसका पंछी का क्या बनता है पक्षी। तो अपन ने क्या लगाई छोटे हु बड़े हु की मात्रा देखी, और नेक्स्ट अपना था चंद्र बिंदु और बिंदु, चंद्र बिंदु और जिसको अनुनासी, तो वो क्या है अपनी इन दोनों शब्दों के अपन ने मात्रा लगाई। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर अपना। देखो फर्स्ट क्या है बचपन कैसा होता है, बचपन कैसा कैसा होता है, बचपन कैसा होता है अपना, बचपन धूप छांव जैसा होता है, इंद्रधनुष के रंगों जैसा होता है, बचपन अपना धूप छांव जैसा होता है, इंद्रधनुष के रंगों जैसा बचपन होता है। नेक्स्ट क्या है बचपन आसमान में कैसे उड़ता है, बचपन तो नहीं उड़ सकता ना कि आसमान में, लेकिन उसकी पक्षी से तुलना करी गई है, जैसे पक्षी है ना अपने पंख फैला के कहाँ पहुंच जाता है पल भर में आसमान में उड़ जाता है, वैसे हमारा बचपन भी पता ही नहीं चलता ये कब बीत जाता है, तो हमारा बचपन भी कैसे उड़ता है, बचपन आसमान में अपने पंख फैला के उड़ता है, बचपन रूपी पंख फैला के उड़ता चला जाता है। नेक्स्ट है मम्मी आके क्या समझाती है, मम्मी आके अपन को क्या समझाती है, मम्मी मम्मी आकर ये समझाती है कि चाहे अपना बचपन बीत जाता है, बचपन चला जाता है, किंतु हमारे जो बचपन की यादें हैं उनको हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं। अंडरस्टूड, मम्मी क्या समझाती है कि बचपन तो बीत गया आप बड़े हो गए, लेकिन आपकी जो बचपन की यादें हैं उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सात रंग होते हैं। नेक्स्ट इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, इंद्रधनुष जब बारिश आती है उसके बाद अपन को दिखाई देता है, बारिश आ जाती है, बारिश आने के बाद अपन को क्या है इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में सात कलर होते हैं सबको पता है, और कब देता है बारिश के बाद दिखाई देता है। पक्षी आसमान में वो कैसे उड़ते हैं, पक्षी आसमान में अपने पंख फैला के उड़ते हैं। ये अपने प्रश्न, अब एक आपके विद्यालय में और घर में आप कौन कौन से खेल खेलते हो, देखो आप विद्यालय में और घर में मतलब आप ये बता दो कि इंडोर आउटडोर, बाहर गेम खेलने वाले और अंदर खेलने वाले, अंदर खेलने वाले क्या हुआ सांप सीढ़ी लूडो चेस शतरंज, सांप सीढ़ी लूडो ठीक है ना शतरंज, ये आप घर के अंदर भी खेलते हो ठीक है ना कार्ड्स, और बाहर क्या खेलते हो फुटबॉल हॉकी क्रिकेट बैडमिंटन आदि आदि अपन बाहर खेलते हैं। तो आपको बाहर गेम खेलने वाले और घर के अंदर गेम खेलने वाले, मतलब इंडोर और आउटडोर गेम का भी पता होना चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट होया, अपन ने इसका अभ्यास कार्य किया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 17 चैप्टर। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।